ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान गणेश जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है। इसी की एक पौराणिक कथा आज आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गणपति जी की जय अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाने की एक पौराणिक कथा है, उसी कथा को अब हम सुनते हैं। यह कथा द्वापर युग की है। एक बार चतुर्मुख वाले भगवान ब्रह्मा शयन कर रहे थे। जब उनकी निद्रा पूरी हुई और उनको जम्भाई आई, ठीक उसी समय उनके मुख से एक पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रिलोक को कपा देने वाली गर्जना की। उसका शरीर लाल रंग का था। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। उस पुरुष ने उत्तर दिया कि जब आप जम्भाई ले रहे थे उसी वक्त मैं आपके मुख से प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपका पुत्र हूँ, आप ही मेरा नामकरण कीजिए। ब्रह्मा जी अपने पुत्र के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उनके लाल रंग के शरीर के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया और उसे वर देते हुए कहा कि त्रिलोक में तुम्हें जो भी स्थान पसंद आए तुम वहीं पर अपना निवास करना। तुम्हारी बाहों में अत्यंत क्षमता होगी। तुम अपनी भुजाओं में पकड़कर किसी को भी दबोच लोगे तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वरदान पाने की खुशी में सिंदूर इतना मतवाला हो गया कि उसने ब्रह्मा जी को ही पकड़ना चाहा। वह ब्रह्मा जी को ही अपनी बाहों में पकड़कर भीचने लगा। उसकी इस कुचेष्टा को भापकर ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए और उसे श्राप दिया। उसे कहा कि सिंदूर अब तू असुर हो जा। सिंदूर प्रिय गजानन तेरे लिए अवतरित होकर तेरा वध करेंगे। श्राप देकर ब्रह्मा जी तो वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के पास चले गए। उन्होंने घटी हुई सारी घटना व्यथित स्वर में विष्णु जी को सुना दी। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे सिंदूर भी अपनी भुजाओं का बल साबित करने विष्णु धाम में पहुंच गया। विष्णु जी के समझाने पर भी जब सिंदूर मानने को तैयार नहीं हुआ तब भगवान विष्णु जी ने सिंदूर को उकसाते हुए भगवान शिव शंकर से युद्ध करने की सलाह दी। बल के उन्मत्त में सिंदूर समाधिष्ट भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया। भगवान शंकर के बाजू में माता पार्वती जी बैठी हुई थी। सिंदूर ने माता पर कुदृष्टि डाली, उनकी वेणी पकड़कर खींचने लगा। इससे भगवान शिव शंकर की समाधि भंग हो गई। जब तक माता पार्वती ने मन ही मन गणेश जी को स्मरण किया, भगवान गणेश माता की पुकार से मयूरेश्वर का स्वरूप धारण करके वहां पर आ गए। उन्होंने उस असुर से कहा कि माता गिरजा को तुम छोड़ दो, भगवान शिव के साथ युद्ध करो। इस युद्ध में जो विजयी होगा पार्वती जी उसी की होंगी। अपने बल के अहंकार में सिंदूर ने भगवान शिव के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में असुर पराजित हो गया और पृथ्वीलोक पर चला गया। माता पार्वती ने मयूरेश से पूछा कि आप कौन हैं? ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश अपने गणेश स्वरूप में प्रकट हुए और माता से बोले कि माँ मैं आपका पुत्र गणेश हूँ। द्वापर युग में शीघ्र ही मैं गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। तब इस दुष्ट दैत्य का मैं संहार करूंगा और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करके भक्तों को सुख और शांति दूंगा। पृथ्वीलोक में आते ही सिंदूर ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया। धर्म और सत्कर्म का नाश होने लगा। चारों ओर हाहाकार मचने लगी। सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार भगवान गणेश की स्तुति की, विनायक की आराधना करके सिंदूर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनुरोध किया। गणपति जी ने प्रकट होकर सभी को आश्वासन दिया और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह रक्तवर्ण, चार भुजा और एक सूंड धारण किए हुए था। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। छोटी आंखें, एक बड़ा पेट था। उनके चरण कमलों पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं थी। भगवान गणेश जी अपने भक्त राजा महेश्वति और रानी पुष्पिका के घर में अवतरित हुए, परंतु भगवान जी के रूप से वो भयभीत हो गए
और दूत के हाथों उन्हें वन में भेज दिया। परंतु वन में जब महर्षि पराशर ने उनको देखा तब वह तुरंत ही समझ गए कि यह कोई दिव्य शक्ति या परमात्मा का स्वरूप है। करबद्ध होकर उन्होंने शिशु की स्तुति की और उसे आश्रम में लाकर पराशर ऋषि की पत्नी वात्सल्या बालक को देखकर आनंदित हो गई। दोनों तपस्वी बालक का पालन पोषण बड़े ही प्यार से करने लगे। भगवान गजानन के चरण मात्र से महर्षि का आश्रम दिव्य हो गया। बालक गजानन ने आयु के 9 वर्ष पूर्ण किए और अपनी कुशाग्र बुद्धि से समस्त वेद उपनिषद और शास्त्र में पारंगत हो गए। सिंदूर के अत्याचार अब बहुत बढ़ गए थे। गजानन भगवान के जन्म का उद्देश्य तो दुष्टों का और सिंदूर का विनाश करना था। उन्होंने अपने एक हाथ में पाश, दूसरे हाथ में परशु और दोनों हाथों में कमल का फूल धारण किया। अपने वाहन मूषक पर बैठकर वह सिंदूर के पास पहुँचे। सिंदूर के समीप जाते ही उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। उनका रूप इतना विशाल था कि उनका मस्तक आसमान और पग पाताल लोक को छूने लगे। भगवान जी ने शीघ्र ही सिंदूर और उसकी दानव सेना का अंत कर दिया। भगवान ने सिंदूर का रक्त अपने अंगों पर लगाया। तभी से भगवान गणेश सिंदूर हरा, सिंदूर प्रिय और सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये तो थी एक छोटी सी कथा कि भगवान गणपति जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा मोरिया।